देवास बहुत सेंसिटिव रहा है। चुनावों के दौरान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से देवास में चुनाव संपन्न कराया गया। ये नो डाउट एक मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था, और जब आप अच्छे कार्य के लिए बेहतर निकलते हैं और आपके पास टीम होती है, निश्चित तौर पर आप सफल हो ही जाते हैं। आप जनता से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। बात पहुँचाने का जो जरिया है, ये मैं समझता हूँ सोशल आपकी पॉलिसी है, और ये तब सफल है जब आप अपने इसी चैम्बर से बाहर निकल कर उन गरीबों का दुख दर्द बांटने के लिए उनके बीच जाकर देखते हैं। जिस प्रकार से पुलिस लगातार अपनी एक इमेज बिल्डिंग कर रही है, लेकिन वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाली छवि जा नहीं रही है। समय लगता है चीज़ों के बदलाव में, पर ये वो पुलिसिंग नहीं है जो लोग कहते हैं अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस। बहुत बदलाव आया, कहीं भी देखें पुलिस बहुत ओवरलोडेड है, अंडर प्रेशर है, काम का दबाव ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि उनको साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, और नवीन जी यकीन मानिए मैं जहाँ जाता हूँ, जितनी बार जाता हूँ, लोग इसका बहुत स्वागत करते हैं। हमने देवास ज़िले में थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक तक हमने सभी को 100% दिखी आप दिया है। सरकार का जो सपोर्ट, उससे आपके हद तक संतुष्ट? कंप्लीटली संतुष्ट, और ये निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है कि अब संसाधन पुलिस में दिखने लगे। संसाधन मिलने से हमारी जो स्पीड थी वो बढ़ी है। चंद्रशेखर सोलंकी, SP देवास से खास बातचीत, देखिए IND 121 में नवीन पुरोहित के साथ रविवार रात 8 बजे सिर्फ IND 24 पर। अ वेंचर ऑफ DGNR मीडिया ग्रुप।